तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर का दौरा है। बीकानेर में प्रधानमंत्री आज रहेंगे। 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनमें अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी शामिल है और इससे जहाँ 4 राज्यों के लाखों लोगों का जीवन आसान होगा, वहीं विकास को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बीकानेर पहुंचने से पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में इन बातों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री बीकानेर में देने वाले हैं, उसी का जिक्र अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने किया है। लिखा है ट्वीट में कि कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनमें अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी शामिल है और इससे जहाँ 4 राज्यों के लाखों लोगों का जीवन बेहद आसान होगा, वहीं विकास को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 से 14 जुलाई को फ्रांस यात्रा है। फ्रांस यात्रा पर पीएम जाने वाले हैं। 13 से 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर पीएम मोदी रहेंगे। इस दौरान फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे के दौरान बड़ा रक्षा सौदा संभव है, ऐसी संभावना है। नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल का एम वर्जन खरीदने की तैयारी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक जानकारी जो मिली है वो ये है कि नौसेना को मिलेंगे 26 रफाल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर इसे तैनात किया जाएगा। वायुसेना ने भी इसी कंपनी से 36 रफाल खरीदे हैं। फ्रांस की यात्रा बेहद अहम रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल पीएम मोदी 13 से 14 जुलाई को फ्रांस यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के दौरे के दौरान बड़ा रक्षा सौदा संभव बताया जा रहा है। नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल का एम वर्जन खरीदने की तैयारी है। रक्षा सूत्र ये बता रहे हैं कि नौसेना को 26 रफाल मिलेंगे इस दौरान। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर इन्हें तैनात किया जाएगा। INS विक्रांत आपको याद होगा हाल ही में सेना को सौंपा गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था। वायुसेना ने भी इसी कंपनी से 36 रफाल खरीदे हैं। फिल्म आदि पुरुष के लेखक मनोज मुंतशिर का बयान अब सामने आया है, क्योंकि आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स को लेकर आपने देखा बीते दिनों कितना ज्यादा विवाद बढ़ा था। मनोज मुंतशिर का बयान सामने आया है। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने आदि पुरुष फिल्म को लेकर बयान दिया है। कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई है। अपने सभी भाई बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। ये मनोज मुंतशिर की तरफ से कहा गया है। हालांकि काफ़ी देर हो गई इस बयान में उनके, क्योंकि विवाद पहले दिन से ही नज़र आया था, या यूं कहें कि जब ट्रेलर सामने आया तभी से ही डायलॉग्स को लेकर जो जिस तरीके से सीन्स दिखाए गए उसको लेकर भी विवाद गहराया था और उस समय भी मनोज मुंतशिर ने सफाई दी थी। लेकिन काफ़ी समय बाद जब विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया, आखिरकार मनोज मुंतशिर ने माफ़ी मांग ली है। कहा है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि फिल्म आदि पुरुष से जनभावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि आपको ये बताएं कि जिन जिन डायलॉग्स पर विवाद गहराया था उन डायलॉग्स को बदला भी गया था, उसमें बदलाव किया गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा और यही वजह रही मनोज मुंतशिर को सामने आना पड़ा एक बार फिर से। और उन्होंने ये स्वीकारा है कि फिल्म आदि पुरुष से जनभावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाई बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूँ। भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। बात अब करेंगे मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून जॉय मूड में है। अब तक देश के करीब 55% हिस्से अच्छी तरह से भीग चुके हैं। शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार को 20 से ज़्यादा राज्यों में बारिश हुई है। उत्तराखंड, केरल, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड के कई इलाके जो हैं वहां पर जनजीवन ठप हुआ है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 154 सड़कें बंद हो चुकी है। दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा भी हालांकि रोक दी गई है, क्योंकि मौसम खराब है, बारिश लगातार हो रही है और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है मौसम को देखते हुए, मौसम की चेतावनी के बाद। अगले 2 हफ्ते देश भर में मानसून काफ़ी सक्रिय रहने के आसार हैं। देश में अब तक की अगर बात की जाए तो 215 mm बारिश
हो चुकी है, लेकिन बारिश का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से था क्योंकि गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही थी। लेकिन बारिश की वजह से अब आम लोगों की दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि अभी तक देश के करीब 55% हिस्से में अच्छी तरीके से बारिश हो चुकी है और मानसून से पहले ज़्यादा कार्य कर दिया बिपरजॉय ने, क्योंकि बिपरजॉय के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और कई जो राज्य हैं वो जिस तरीके से आपने देखा तेज़ बारिश हुई, तेज़ बारिश की वजह से वहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ गई क्योंकि नदी नाले नदियाँ सब उफान पर आ गए, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया था। शुक्रवार को 20 से ज़्यादा राज्यों में बारिश हुई है, जिनमें जो राज्य शामिल हैं उसमें उत्तराखंड है, केरल है, गोवा है, कर्नाटक है, नागालैंड है। यहाँ के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण 154 सड़कें बंद हो चुकी हैं अभी तक और सड़कों को एक बार फिर से दुरुस्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम के चलते फिलहाल के लिए अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अगले 2 हफ्ते देश भर में मानसून काफ़ी सक्रिय रहने के आसार नजर आ रहे हैं। देश में अब तक 215 mm बारिश हो चुकी है। और देखिए, ट्विटर की बादशाहत पर खतरा मंडरा रहा है। मेटा का नया ऐप थ्रेड्स लॉन्च होते ही ट्विटर की धड़कनें बढ़ी हैं। भारत समेत 100 देशों में माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च, 24 घंटे में ही इसके 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गए। वैसे एलन मस्क के आने के बाद बदलाव के तौर से गुजर रहा है ट्विटर, इन दिनों हर दिन नए नए नियम लागू कर रहे हैं एलन मस्क। अब इससे लोग बेहद परेशान हैं। अब जो परेशान लोग हैं वो थ्रेड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। थ्रेड्स पर 500 कैरेक्टर्स और 5 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकेंगे क्योंकि थ्रेड्स भी अच्छे खासे ऑफर लोगों को दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध करा रहा है। इसलिए यही वजह है कि जो आए दिन एलन मस्क की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं उससे परेशान होकर लोग अब जो नया ऐप है जो कि मेटा का है, मेटा जो कि फेसबुक जिसका है, इंस्टाग्राम भी उसी का है, और एक और एप्लीकेशन लाया है मेटा, वो है थ्रेड्स, लॉन्च होते ही ट्विटर की धड़कनें इसलिए बढ़ गई हैं। भारत समेत 100 देशों में माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च की गई है, 24 घंटे में ही इसके 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो चुके हैं। और वैसे एलन मस्क के आने के बाद आपने देखा होगा कि ट्विटर में कई बदलाव किए गए हैं, फिर चाहे वो ब्लू टिक को लेकर हो या फिर सब्सक्रिप्शन को लेकर हो या फिर अभी हाल ही में उन्होंने जो नया ऐलान किया उसको लेकर हो, हर दिन नए नए नियम लागू एलन मस्क कर रहे हैं। अब इससे जो परेशान लोग हैं वो थ्रेड्स की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। थ्रेड्स पर 500 कैरेक्टर्स और 5 मिनट का वीडियो पोस्ट कर सकेंगे, ऐसी सुविधा उस पर रहेगी। देश के पुलों की सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी है। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी पुल पर लगेंगे विशेष सुरक्षा डिवाइस, खतरा भांपते ही ये मास्टर रूम को अलर्ट भेजेगी। लोगों को सचेत करने के लिए पुल पर एक्टिव हो जाएगा हूटर। NHAI के 85,000 पुलों में लगने जा रहा है ये उपकरण। देश में 10 साल में पुल ढहने के 214 मामले और 285 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में इस सुरक्षा का मजबूत करने की तैयारी भी की जा रही है क्योंकि लगातार जो हादसे बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ सके, यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी पुल पर अब विशेष तरीके से सुरक्षा डिवाइस को लगाया जाएगा, खतरा भांपते ही ये मास्टर रूम को अलर्ट भेज देगी। लोगों को सचेत करने के लिए पुल पर एक्टिव हो जाएगा ये हूटर और NHAI के 85,000 पुलों में लगने जा रहा है ये उपकरण। देश में 10 साल में पुल ढहने के 214 मामले सामने आ चुके हैं और हादसों में 285 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है। कूचबिहार में BJP कार्यकर्ता की हत्या की गई है। बंगाल की कई जगहों पर बूथ लूटने की खबर भी मिल रही है। कूचबिहार के पोलिंग स्टेशन में आग लगा दी गई है। सेतई के पोलिंग बूथ में आग के बाद अफरा तफरी मच गई है। रघुनंदन पोलिंग बूथ के बाहर देसी बम भी मिला है। मुर्शिदाबाद के उल्लासपुर इलाके में गोलीबारी हुई है और बांकुरा के सोनामुखी ब्लॉक में हिंसक झड़प हो गई है। CPI TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मानिकचक में हिंसा में एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में बूथ संख्या 163 पर फायरिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच जारी है मतदान, लेकिन आपको ये भी बताएं कि 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। हालांकि पंचायत चुनाव से ही कई बार झड़प और हिंसा की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं क्योंकि आज मतदान का दिन है, लेकिन मतदान के दिन भी इसी तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त हिंसा हो रही है पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में। कूचबिहार में BJP कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बंगाल के कई जगहों पर बूथ लूटने की खबर भी हमें मिल रही है।
कुछ बिहार के पोलिंग स्टेशन पर आग लगाई गई है और सीतई के पोलिंग बूथ में आग के बाद अफरा तफरी मची है। रघुनंदन पोलिंग बूथ के बाहर देसी बम मिला है और मुर्शिदाबाद के उल्लासपुर इलाके में गोलीबारी हुई है। बांकुरा के सोनामुखी ब्लॉक में हिंसक झड़प हो गई है। सीपीआई टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 16 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, हो सकता है ये संख्या बढ़ गई हो। मानिक चक में हिंसा में एक की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दक्षिण 24 परगना में बूथ संख्या 163 पर फायरिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच मतदान जारी है। आपको बताएं एक बार फिर से कि 11 जुलाई को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे अजीत और प्रफुल्ल पटेल, ये बेहद अहम है। और पीएम मोदी ने 18 जुलाई को दिल्ली में अहम बैठक जो बुलाई है उसमें ये दोनों शामिल होंगे। बड़े चेहरे हैं जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा करते हुए खुलासा भी किया है, कहा है कि 30 जून को अजीत पवार के आवास पर बैठक हुई है। अजीत को पार्टी विधायक पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से नेता चुना था, क्योंकि जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई अजीत पवार के साथ जो लोग आए हैं। अब क्योंकि अब पोर्टफोलियो भी देना है, बंटवारा भी करना है, ऐसे में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, इसको लेकर मंथन भाजपा में चल रहा है। एनडीए की जो हाल ही में बैठक होने वाली है उस बैठक में अजीत और प्रफुल्ल पटेल शामिल होंगे। पीएम मोदी ने 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक बुलाई है और ये जो बैठक है वो बेहद अहम रहने वाली है। प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा करते हुए ये खुलासा भी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि 30 जून को अजीत पवार के आवास पर जो बैठक हुई है अजीत पवार को पार्टी विधायक पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से नेता चुना था। मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में पुलिस कमांडो के सिर में गोली लगी है। गोली लगने से पुलिस कमांडो की मौत हुई है। 2 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। मणिपुर हिंसा में अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है और ये सिलसिला बीते 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है तब से जारी है। 419 से अधिक लोग अब तक घायल हो चुके हैं। हिंसा की वजह से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लगातार हिंसा हो रही है, क्योंकि गृह मंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री वहां के लगातार बैठकें कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है और यही वजह है कि हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सभी को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन समझाइश सफल नहीं हो पा रही है। मणिपुर हिंसा में पुलिस कमांडो के सिर में गोली लगी है। गोली लगने से पुलिस कमांडो की मौत हुई है। 2 महीने बाद भी मणिपुर में हिंसा जारी है। तो देखिए 2 महीने हो चुके हैं इस हिंसा को, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर इस हिंसा पर कैसे रोक लगाई जाए, क्योंकि लोगों की जान जा रही है। 136 के करीब लोग हैं जिनकी जान अभी तक जा चुकी है और 400 से ज़्यादा का आंकड़ा है जो लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं अभी तक। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर हैं। कई परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है नए लक्ष्य के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। तेलंगाना के विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। तेलंगाना की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। मेड इन इंडिया से भारत में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया तेलंगाना की जनता को। तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि वो बीकानेर के दौरे पर भी आज रहेंगे, वहां पर भी करोड़ों की सौगात पीएम देने वाले हैं। तेलंगाना में भी करोड़ों की सौगात पीएम मोदी ने दी है। कई परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी है। पीएम मोदी ने आधारशिला रखने के बाद जनसभा को संबोधित किया और कहा कि नए लक्ष्य के लिए रास्ते बनाने पड़ते हैं। तेलंगाना के विकास को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तेलंगाना की जनता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछ रहा है। मेड इन इंडिया से भारत में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद भीषण गर्मी से नुकसान भी हुआ है। पूरे देश में सब्जियों की कीमतें आसमान पर हैं। टमाटर की अगर बात की जाए 120 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि अगर कई और अन्य जगहों की बात करें तो 200 पार कर गया है। उत्तराखंड का एक ज़िला है वहां पर 200 पार हो चुका है टमाटर। अदरक की बात करें 250 रुपये बिक रही है। बैंगन 100 रुपये किलो बिक रहा है। लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ की सब्जी मंडियों का हाल भी लगभग यही है। अदरक की कीमत एक हफ्ते में 100 रुपये से बढ़कर 250 रुपये किलो हो चुकी है। बैंगन की कीमत 10 दिन में 40 से बढ़कर 100 रुपये किलो हो गई है। और साथ ही साथ अन्य सब्जियों की बात की जाए तो अन्य सब्जियों की कीमतों में भी 20-60% की बढ़ोतरी हो गई है। अब महंगाई चरम पर है, इसलिए लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है सब्जियाँ खरीदने में।
खास तौर पर वो लोग जो कि असमर्थ हैं इन महंगी सब्जियों को खरीदने में, उनको और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये जो हो रहा है उसकी वजह बारिश बताई जा रही है, क्योंकि बारिश की वजह से जिस तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है सब्जियों की, यही वजह है कि मांग ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही है, इसी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। पूरे देश में सब्जियों की कीमतों में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। टमाटर 120 रुपए किलो पहुंच गया है, बल्कि इससे ज़्यादा कई जगहों पर बिक रहा है। अदरक 250 रुपए किलो, बैंगन 100 रुपए किलो और साथ ही साथ अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आम इंसान खाए तो क्या खाए, उनकी थाली से ये सब्जियाँ गायब हो चुकी हैं। लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ की सब्जी मंडियों का हाल की अगर बात की जाए तो अमूमन यही हाल वहां का भी नज़र आ रहा है। अदरक की कीमत एक हफ्ते में 100 रुपए से बढ़कर 250 रुपए किलो हो गई है। बैंगन की कीमत 10 दिन में 40 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई है। आप इससे समझिए कितनी तेज़ी के साथ इन सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। अन्य सब्जियों की कीमत में भी 20 से 60% की बढ़ोतरी की गई है। 17.50 लाख वोटर्स की वोटिंग के लिए बीएलओ को टास्क दिया गया है। 80 वर्ष से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन वोटर चिन्हित करने और घर घर जाकर पात्र वोटर्स से 12D के तहत फॉर्म भरवाकर विकल्प लेने का टास्क दिया गया है बीएलओ को। 5,71,000 से ज़्यादा हैं 40% से ज़्यादा दिव्यांग वोटर्स, 80 वर्ष से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन वोटर्स 11,80,000 से ज़्यादा हैं। वहीं कैंपों से जोड़े गए दिव्यांगजन वोटर्स सबसे ज़्यादा जयपुर में करीब 34,581 दिव्यांगजन वोटर्स हैं। ऐसे में उनको सहूलियत मिले, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए बीएलओ को पहले से निर्देश दिए गए हैं सर्वे करने के। 17.50 लाख वोटर्स की वोटिंग के लिए बीएलओ को टास्क दिया गया है बाकायदा। 80 वर्ष से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन वोटर्स चिन्हित करने और घर घर जाकर पात्र वोटर्स को 12D के तहत फॉर्म भरवाकर विकल्प लेने का टास्क दिया गया है। 5,71,000 से ज़्यादा हैं 40% से ज़्यादा दिव्यांग वोटर्स, 80 वर्ष से ज़्यादा के सीनियर सिटीजन वोटर्स 11,80,000 से ज़्यादा हैं।